हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सल 2016 में लेक्चर नंबर 18 पढ़ाने जा रहा हूं आज हम बात करेंगे फॉमलाज टैब के बारे में और फार्मलाज टैब में हम पढ़ने वाले इन्जर्ट फंक्शन के बारे में और ऑटो में हम पढ़ेंगे इसमें सम एवरेज काउंट नंबर मैक्सिमम मिनिमम और कुछ फॉमलाज ये वाले हैं और उसके साथ हम बात करेंगे आज नेम मैनेजर के बारे में और डिफाइन नेम के बारे में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बसानी पहुंच सकें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहले आप यहाँ पर किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू टाइप करें जैसे आप यहाँ में टाइप करें फाइव हंड्रेड फोर हंड्रेड टू हंड्रेड वन एंड फाइव इन सबको अगर आप सम करना चाहते हैं जमा करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट फंक्शन पे आना है और आंसर फंक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने सम पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके okay पे और जैसे यहाँ पे ओके okay क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फंक्शन आर्गूमेंट्स का एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा और यहाँ पे नंबर वन में आप जमा कर रहे हैं ए वन से लेकर ए सिक्सटीन तक ए वन आपके पास सेल एड्रेस है कि ए वन से लेकर आप ए सिक्स तक, तक तमाम वैल्यूज़ को जमा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी ये तमाम वैल्यू ट्वेंटी थ्री हंड्रेड इसका टोटल हमारे पास आएगा आप जैसे ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्वेंटी थ्री हंड्रेड आपको नज़र आ रहा है अगर आप डिफरेंट कॉलम में लिखी हुई वैल्यूज को जमा करना चाहते हैं और उनका टोटल एक ही जगह पे लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिफरेंट कॉलम्स में कोई भी वैल्यूज में टाइप करें जैसे मैंने यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज टाइप कर ली और कुछ वैल्यूज टाइप करने के बाद कॉलम ए कॉलम बी और उसके बाद कॉलम सी में हम आते हैं और यहाँ पर कोई वैल्यूज़ में टाइप कर लें अब हम चाहते हैं कि इन तीनों कॉलम का टोटल वो किसी एक जगह पर आ जाए हम यहाँ पे इन तीनों कॉलम का टोटल एक जगह पे लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने इन्जर्ट फंक्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने सम पे क्लिक करना है और उसके बाद हम क्लिक करेंगे इसमें ओके पे और ओके पे क्लिक करने के बाद नंबर वन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और उसके बाद आपने नंबर वन कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि नंबर वन ये वाला कॉलम सम हो जाए फिर नंबर टू पर क्लिक करें फिर बी कॉलम आप सेलेक्ट करें फिर नंबर थ्री पे आप क्लिक करें फिर इसके बाद आप सी कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर लें तो इन तीनों कॉलम का टोटल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सोलह हज़ार तीन सौ बत्तीस रुपए और जैसे यहाँ पे ओके होके क्लिक करते हैं तो ये सोलह हज़ार तीन सौ बत्तीस रुपये यहाँ पर टोटल शो हो चुका है हमारे पास इस तरह इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं इन फंक्शन का जिक्र हम आगे चल के एडवांस लेवल में पढ़ेंगे तो उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आ रही है सम ऑटो सम है इसमें उसके बाद हमारे पास एवरेज है काउंट नंबर है मैक्सिमम मिनिमम है हमारे पास आप यहाँ पे कोई वैल्यू इसमें टाइप करते हैं जैसे अपने यहाँ पे 500 टाइप किया 200 टाइप किया इन दोनों को आप जमा करना चाहते हैं तो आपने सम पे क्लिक करना है और आपने प्रेस करना है तो यहाँ पे 700 हंड्रेड जॉब इसमें आ रहा है मेरे पास और आगे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें एवरेज के बारे में कि आपने एवरेज किस तरह से मालूम करनी है जिस तरह से जो ना कहना कि हमारे पास एक मजदूर है इसने कभी पाँच सौ कमाए हैं और उस कभी इसने चार सौ कमाए हैं कभी इसने दो सौ कमाए हैं कभी इसने वन फिफ्टी अर्न किए हैं कभी इसने थ्री हंड्रेड अर्न किए कभी इसने फाइव हंड्रेड अर्न किए हैं कभी इसने एट किए हैं तो हम देखना चाहते हैं कि इसकी पर डे की एवरेज क्या है कि एक दिन एक दिन की दिहाड़ी से कितनी पड़ी तो आप यहाँ पे क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपने ऑटो सम पे आना है एवरेज पे क्लिक करना है और उसके बाद आप इंटरप्रेस करेंगे तो आप देख लेंगे चार सौ सात रुपये और चौदह पैसे पर डे के हिसाब से इसने अर्न किए हैं और उसके बाद नेक्स्ट माइन वापस में आ रही है कि आप इस ऑटो सम पे आएंगे और हम क्लिक करेंगे यहाँ पे काउंट नंबर्स कि यहाँ पे हम काउंट करना चाहते हैं कि टोटल आपके पास इन सेल्स में वैल्यूज़ कितनी हैं तो काउंट नंबर पे क्लिक करें प्रेस करें तो आपको आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सेवन सेल्स हैं जिनमें वैल्यूज़ लिखी हुई है सेवन वैल्यूज़ हैं हमारे पास और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ रही है ऑटोसम आटोसम पे क्लिक करने के बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम के बारे में आप मैक्सिमम पे क्लिक करोगे और आपने इंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे देखिए 800 हंड्रेड मैक्मम वैल्यू हमारे पास है और इस मिनिमम वैल्यू अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है जैसे कि आपको भी नज़र आ रहा है मुझे भी नज़र आ रहा है वन इसमें सबसे छोटी वैल्यू है मिनिमम तो आपने ऑटो सम पे आना है आपने मिनिमम पे क्लिक करना है उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे 150 मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है उसके बाद हम बात करेंगे इसमें बाकी सारे फंक्शन हैं ये फंक्शन हम एडवांस लेवल में कुछ फंक्शन आगे जाके पढ़ेंगे और उस पर नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं नेम मैनेजर के बारे में नेम मैनेजर कि आप किसी भी सेल को अगर आप री करना चाहते हैं और उसे आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने नेम मैनेजर डिफाइन नेम का आपने यूज करना होता है अब देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास C14 में टोटल आ रहा है C14 में टोटल हमारे पास हो आ रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर शीट नंबर टू है शीट नंबर थ्री है शीट नंबर फोर भी है तो आप देखेंगे सी फोटीन तकरीबन हर सेल में हर शीट में आपको नज़र आएगा और आप सी फोरटीन में जाना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पे टाइप करते हैं सी फोटीन तो ऑटोमेटिक आप सी फोर्टीन में चले जाते हैं मगर एक्टिव शीट की सी फोटीन में जाते हैं आप उस टोटल में नहीं जा सकते तो इसलिए हम किसी भी सेल को रीनेम करते हैं ताकि हम उसी सेल तक पहुँच सकें तो इसलिए हम शीट नंबर वन पे आएंगे और जिस सेल को आप रीनेम करना चाहते हैं उस सेल पर आप क्लिक करें और फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डिफाइन नेम पे डिफाइन नेम पे क्लिक करने के बाद आपने नेम के बॉक्स में सेल को नाम देना है जिसमें नाम दे दिया टोटल और आपने ओके okay क्लिक करना है जैसे ओके क्लिक okay करेंगे जैसे ओके क्लिक okay करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे सेल में टोटल लिखा नज़र आ रहा है अब आप शीट नंबर टू पे हैं शीट नंबर थ्री पे हैं शीट नंबर फोर पे हैं कहीं पर भी हैं तो जस्ट आपने यहाँ पर टोटल टाइप करना है और आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमली आप टोटल में पहुँच जाएंगे तो इस तरह किसी सेल को हम रीनेम भी कर सकते हैं अगर आप दोबारा इसको नॉर्मल मोड में वापस लाना चाहते हैं रीनेम को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है नेम मैनेजर पे आना है नेम मैनेजर पे आने के बाद आपने नेम मैनेजर में से आप सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस सेल को आपने रीनेम किया था जैसे हमने टोटल नेम दिया था और उसके बाद आपने डिलीट पर क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे और उसे क्लोज़ करेंगे ये देखिए आपके पास दोबारा सी फोर्टीन यहाँ पर लिखा गया है ये था हमारा आज का लेक्चर लेक्चर नंबर एटीन अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट्स ज़रूर दें थैंक्स